अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। आज ना मैं आपको बताने लगी हूँ कि एब्डोमिनल एओर्टा की लोकेशन, एब्डोमिनल एओर्टा की ओरिजिन कहाँ पे होती है, प्रेजेंट कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ से आ रही है, कहाँ पे जा रही है, दैट फोर फाइव पॉइंट्स दैट आर रूट क्या है उसका, कहाँ से निकलती है, कहाँ से किसकी ब्रांच है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे एब्डोमिनल एओर्टा, उसकी ब्रांचेज कितनी है। ये ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए कि हम लोग कैसे इतनी ब्रांचेज याद करें, इतनी सारी ब्रांचेज है एओर्टा की। मैं ना आपको इजी तरीके में ना ये सारी ब्रांचेज करवा दूँगी। तो पहली बात बच्चे ये हमेशा याद रखती है कि किसी भी आर्टरी, कोई भी आर्टरी आ जाए ना पेपर में, तो आपने ये बात ये याद रखनी है कि उसका ओरिजिन क्या है, किसकी ब्रांच है। ये बातें याद होनी चाहिए आपके पास, आपको किसका क्या ओरिजिन है, किसकी ब्रांच है। और वेट, मैं ज़रा ना कैमरा सेट कर लूँ उसका, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहले ओरिजिन इसका क्या है, कि ओरिजिन आपको मैंने पिछली वीडियो में आपने देखा और आपने काम डायाफ्राम, तो उसमें मैंने एओर्टा की आसान तरीके से आपको बताया था कि एओर्टा कहाँ से ओरिजिन होती है। तो अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो ये मेरी पिछली वीडियो देख ले, उसमें एओर्टा की ओपनिंग सारी बताई हुई है और ईजी निमोनिक्स भी बताई हुई हैं। तो एओर्टा जो है ना, वो हमारे पास T12 के लेवल पे, एट द लेवल ऑफ T12 एओर्टा ओरिजिनेट डायाफ्राम से क्या होता है, एब्डोमिनल, ये एब्डोमिनल एओर्टा है। वैसे एओर्टा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हार्ट से स्टार्ट हो रहा है, हार्ट में वो हार्ट का एओर्टा वहाँ से स्टार्ट होता है, और कुछ थ्रेसिक एब्डोमिन थ्रेसिक का एओर्टा है, और नीचे जो है वो हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा है। डायफ्राम से ऊपर थ्रेसिक का एओर्टा, डायफ्राम से नीचे एब्डोमिनल एओर्टा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एब्डोमिनल एओर्टा पढ़ रहे हैं। ओरिजिन क्या है हमारे पास, T12 से ओरिजिनेट होती है, और टी एट द लेवल ऑफ L4, L4 पे क्या होता है, एट द लेवल ऑफ L4 वहाँ पे वो क्या होता है, डिवीजन हो जाती है उसकी, आगे कॉमन एलिया कार्ट्रीज में कन्वर्ट हो जाती है, कॉमन एलिया कार्ट्रीज में वो डिवाइड हो जाती है। तो ये रूट हमारा ये था कि हमारे पास क्या होता है कि एब्डोमेन की एओर्टिक ओपनिंग और डायफ्राम T12 ओके, और नीचे जाती है, डिसेंड होती है और लंबर वर्टिब्रा के एंटीरियर पोर्शन पे, टी के कौन से, फोर्थ लंबर वर्टिब्रा ऐसे आ रही है ना। तो ये है डायफ्राम, डायफ्राम के यहाँ से ओपनिंग होती है, यहाँ पे है T12, यहाँ से होती है एट द लेवल ऑफ ये T L4, यहाँ पे क्या होती है, ये डिवाइड हो जाती है कॉमन एलिया कार्टरी में, कहाँ पे एंटीरियरली होती है वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रा होता है लंबर वर्टिब्रा, उसके एंटीरियरली चल रही होती है। और उसके बाद और ये नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी इसकी इजी करके, मैं ब्रांचेस बताऊंगी बहुत इजी करके। इसमें मैंने डायग्राम बनाई हुई है, तो एक चीज़ याद रखना कि हमेशा ना आपने देखना है कि डायग्राम इसकी, एक तो होती है ना वो डायग्राम जो बुक में बनी होती है वो थोड़ी मुश्किल होती है, उसके पता नहीं चलता आस पास क्या है कैसे है, स्कीमेटिक डायग्राम स्कीमा बनाने की कोशिश करें, कि स्कीमा बना के ना आसान हो जाता है कोई भी क्वेश्चन करने का। तो स्कीमा ऐसे मैंने बनाया है कि ये मैंने स्कीमा बनाया है, इसमें मैंने सारी आर्टरीज बता दी। तो सबसे पहले मैं ना आपकी बुक में ये कौन सी बुक है, ग्रे सॉरी PD है शायद, ये मैंने लिया है आपकी बुक, अच्छा चलो मैं आपको फिर बताती कौन सी बुक है। तो सबसे पहले एओर्टा किस किस को सप्लाई कर रही है, कितनी ब्रांचेज हैं, तो बच्चे सुन ले, एओर्टा की ब्रांचेज हैं ये आप देखें 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ब्रांचेज। अब 14 ब्रांचेज याद रखने के लिए जी, सबसे पहले तो नॉर्मल बात, सबसे पहले सारी ब्रांचेज को छोड़ के सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है, दो जो ब्रांचेज हैं टर्मिनल ब्रांचेज वो कौन सी हैं, कॉमन एलिया कार्टरी, राइट कॉमन एलिया और लेफ्ट कॉमन एलिया, ये चीज़ याद रखनी है सबसे पहले एक चीज़ ये। उसके बाद यहाँ पे ये एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ से बिल्कुल एंड पे ना मीडियन सैक्रल आर्टरी ओरिजिनेट होती है, सबसे आसान, सबसे पहले आपने ये बनाना है ना, ये बना दिया, सबसे पहले जो आपने इसको मार्क करना है वो कॉमन इलियक आर्टरी, और यहाँ से एक सैक्रल इलियक आर्टरी निकाल देनी है,
उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे जो याद रखना है जी, इसके साथ ना ये इस साइड पे लंबर आर्टरीज, चार लंबर आर्टरीज, ओके, चार लंबर आर्टरीज निकल रही हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एओर्टा जहाँ से निकलता है वहाँ पे क्या है हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास किडनी है, तो किडनी को भी सप्लाई कर रहा होगा। तो ये देखो सुप्रा रीनल जो किडनी के ऊपर और रीनल किडनी के नीचे, ओके। उसके बाद सिलिएक ट्रंक हमारा एओर्टा से निकल रहा था, सिलिएक ट्रंक एओर्टा से निकल रहा है। तो ये जो एंटीरियर ब्रांचेज है, विजरल ब्रांचेज, ये एंटीरियरली सिलिएक ट्रंक निकल रहा है। उसके बाद सुपीरियर मेजेंटेरिक और इन्फीरियर मेजेंटेरिक, ये तीन चीज़ें सबसे पहले आपने याद रखना है, कॉमन इलियक टर्मिनल ब्रांचेस, फिर उसके बाद आपने याद रखना है ये तो कॉमन इलियक और ये टर्मिनल ब्रांचेस है। फिर आपने याद रखना है ये तीन जो एंटीरियरली सीलिएक, सब सुपीरियर मेजेंटेरिक, इन्फीरियर मेजेंटेरिक। उसके बाद रीनल को कौन कौन, रीनल को, रीनल साथ है तो उसको, इसको याद रखना है सुप्रा रीनल और रीनल, रीनल आर्टरी। और उसके बाद ये हो गई, उसके बाद ये टेस्टिकुलर आर्टरी है एक, ये अलग करके याद रख लेना है। और ये हमारे पास है इन्फीरियर मेजेंटेरिक हो गया, तो ये है इन्फीरियर फ्रेनिक, इन्फीरियर फ्रेनिक निकलती है बिल्कुल सबसे ऊपर से, इन्फीरियर फ्रेनिक कौन सी आर्टरी निकलती है, इन्फीरियर फ्रेनिक निकलती है। तो जी आप देख लें विजरल ब्रांचेस में आपने याद रखना है एंटीरियर, जो एंटीरियरली सिलिएक ट्रंक, सुपीरियर मेजेंटेरिक, इन्फीरियर मेजेंटेरिक, ठीक है। उसके बाद लेटरली विजरल ब्रांचेस कौन सी है, लेटरल साइड से जो निकल रही है वो पास सुप्रा रीनल आर्टरी और टेस्टिकुलर आर्टरी। उसके बाद हमारे पास लेटरल एब्डोमिनल, ये विजरल जो है ना, जो विजरल स्कॉपुला सप्लाई करती है वो लेटरली तीन। उसके बाद हमारे पास जो है तीन, जो पांच है वो हमारे पास जो लेटरल एब्डोमिनल, एब्डोमिनल को एब्डोमिन में जो जाके सप्लाई करती है वो फ्रेनिक और लंबर आर्टरीज है। और एंड पे हमारे पास टर्मिनल ब्रांचेज जो है वो कॉमन इलियक आर्टरी, आर्टरीज है दो, और मीडियन सैक्रल। और ये हमारे पास होगा एओर्टा, एओर्टा की ब्रांचेज। अगर कुछ भी ना समझ आए तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा, थैंक यू सो वेरी मच। एंड किसी, अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, और इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपके लिए इजी हो जाए ये याद करना है ओटा।